खबर ऐसी है जिसने कई सवाल भी खड़े किए हैं। बिहार और बंगाल में क्या बंटवारे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? कुछ दिनों से ये मांग वहां पर जोर पकड़ने लगी है। बताया जाता है कि 5 ऐसे जिले हैं जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, उन्हें मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही जा रही है। बिहार का किशनगंज, कटिहार, अररिया, बंगाल का मालदा और मुर्शिदाबाद, 3 राज्यों की मुस्लिम आबादी वाले जिलों को मिलाकर अलग से यूनियन टेरिटरी बनाने की निशिकांत दुबे की मांग से इन दिनों सियासत गर्म है। दिल्ली से शुरू बवाल बिहार होते हुए झारखंड और फिर बंगाल तक जा पहुंचा है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और यह झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। निशिकांत दुबे की मांग फिलहाल सहयोगी दलों को रास नहीं आ रही है। जेडीयू जहां इस पूरे मुद्दे पर आम सहमति बनाने की मांग कर रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि देश नियम, कानून और संविधान से चलेगा, बंटवारे से नहीं। सरकार उसको स्टडी करे और अगर उससे फायदा होता हो उस इलाके को जिस मुद्दे पर उन्होंने बात उठाया, उसकी फायदा अगर सरकार वो मिले तो फिर सरकार उस पर विचार करे। बीजेपी के माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी तो पढ़े लिखे हैं, उनको ये जानकारी होना चाहिए कि ये इस तरह से देश नहीं चल सकता है। इस संविधान की कसम खाए हैं, उसी के अनुरूप आचरण व्यवहार करना चाहिए और समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं। जहां जहां भाजपा न जीते वहां वहां यूनियन टेरिटरी बना दो, क्योंकि सीमांचल में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के एमपीज जीत गए, चूंकि बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, आपकी दाल नहीं गली वहां पर, चूंकि झारखंड में दुमका और राजमहल जेएमएम जीत गई, तो यूनियन टेरिटरी बना दो, ये सबसे अच्छा तरीका है। निशिकांत दुबे जी की ये सारी डिमांड्स उनके अपने गृह मंत्रालय पे सवाल खड़ा करती हैं, उनकी पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के मुख्यमंत्री काल पर सवाल खड़ा करती है। इधर झारखंड में भी निशिकांत दुबे का विरोध तेज हो गया है। रांची समेत कई इलाकों में पुतले फूंके जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो लोग समाज को भी तोड़ते हैं, परिवार को भी तोड़ते हैं और एन के इन प्रकारें राज्य में, देश में, समाज में कैसे रेमिनिसेंस फैले इस पर अपना काम करते हैं। अपनी मांग से निशिकांत दुबे भले ही विपक्ष के निशाने पर हों, लेकिन उनके समर्थन में पहली आवाज मधुबनी के बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने उठाई है। अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अच्छी खासी संख्या है। जो जनसंख्या का संतुलन है वो बिगड़ गया है, इसके लिए केंद्र सरकार कुछ दवाई के तहत, निराकरण के तहत एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दे। घुसपैठियों की समस्या एक गंभीर समस्या है। निशिकांत दुबे की मांग और किए गए दावों की पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम लगातार किशनगंज, कटिहार और अररिया का दौरा कर रही है और स्थानीय लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई इलाके में हिंदू आबादी घट रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दावों की पड़ताल करने के लिए इस वक्त हम किशनगंज के समेसर हाट गांव में है। जी हाँ, ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो जमीनी स्तर पे माहौल क्या है इसका अंदाजा सही से लग पाता है। जुबेर भाई जो हैं सो मोहन यादव को डरा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। गलत बात है, एकदम बिल्कुल गलत। बताइए सरफुद्दीन भाई, सुनते हैं बड़ा आप बदमाशी कर रहे हैं। हम कहाँ करते हैं बदमाशी? नहीं, अरे आप नहीं कर रहे हैं तो वैसे ही थोड़े बोल रहे हैं। ऐसे आप जो करने वाला है वो करता है, हम लोग तो सब मिलजुल गए हैं। हमारे यहाँ इस समय सर मौजा में कम से कम हिंदू आबादी ज्यादा है, हम लोग मिल के हैं, फिर भी हम लोग ना उन लोग डराता है, ना हम लोग डरते हैं, ना हम लोग डराते हैं। यहाँ मुसलमान का तादाद ज्यादा है, हिंदू का थोड़ा कम है हमारे भी इलाका गांव में। नेताजी कह रहे हैं कि सब हिंदू डर के छोड़ के भाग जा रहा है। कैसे भागेगा भैया, जब हम लोग
कुछ करते नहीं है एक साथ, उसके घर हम खाते हैं, हमारे घर वो खाता है, तो हम किस लिए लड़ाई करेंगे भाई। हमारी टीम अररिया के इस्लाम नगर पहुंची, यहां 90% मुस्लिम है, यहां के लोग क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। हिंदू भय में है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब एक शगुफा है, एक बहाना है जनता को, बिहार की खोसन अररिया जिला के जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए। अगर वो ये बोलता है कोई, वो झूठ बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है, वो अब साबित कर दिया यहाँ के मोहम्मद के संसद बना के भाजपा के भेज दिया। यहाँ भाई भाई हम लोग कोई बातें नहीं है, हम लोग सब भाई एक जगह रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। हम लोगों को बांग्लादेश या नेपाल या पाकिस्तान से क्या मतलब? यहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान सब भाई मिल करके रहते हैं, कोई पलायन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। घुसपैठ? कोई घुसपैठ नहीं है यहाँ, तस्करी मिलजुल के रहते, कोई तस्करी नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। श्रीनिवास ने यहाँ बीजेपी और आरजेडी दोनों दलों के नेताओं से संपर्क किया और उनका पक्ष जाना। निशिकांत दुबे कई बार के सांसद हैं, उसने तो रोजगार दिया नहीं, उसने इलाके को काम दिया नहीं, इस बेचारे को तो सबने ठगा। रोजगार तो दे नहीं सकते हो, हिंदू मुसलमान करना है। आए दिन जो यहाँ डेमोग्राफी चेंजेज हो रहे हैं, मुस्लिम की आबादी बढ़ते जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ ये बढ़ते जा रहे हैं, रोहिंग्या बढ़ते जा रहे हैं, और हम लोग त्रस्त हैं उन लोगों के मनमानी से। अगर भाजपा के यहाँ सांसद नहीं होते तो हम लोग कब के अल्पसंख्यक हो गए होते, और हम लोग आज जो बोल रहे हैं ना, वो हम बोल भी नहीं पाते, रोड पर वो चल नहीं पाते। पॉपुलेशन बढ़ता है। निशिकांत दुबे की मांग ने फिलहाल बिहार ही नहीं बंगाल से लेकर झारखंड तक का सियासी माहौल गर्मा दिया है। अब देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि इस मांग के पीछे कोई सियासी मकसद छिपा हुआ है या वाकई कुछ ऐसा हो भी रहा है। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो ये इलाका बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है, वो कैसे अब जरा ये समझिए। दोनों ही, चाहे बिहार की बात कर लें या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लें, 5 जिलों की 6 लोकसभा सीटें जिनमें से महज 2 सीटों पर ही बीजेपी का कब्जा है, और इस इलाके में आने वाली यहां पर 39 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से सिर्फ 10 जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। तो ऐसे में चुनौती तो यहां पर बड़ी सीधे तौर पर बीजेपी के लिए है ही। अब जरा जो हिंदू मुस्लिम आबादी की बात की जा रही है उस लिहाज से देखें तो पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। मैं आपको बताती हूं कि कहां पर मुस्लिम और हिंदू की आबादी क्या है। तो सबसे पहले किशनगंज में आप देखिए, हिंदू आबादी 32% और मुस्लिम आबादी यहां पर 68% है। अब जरा अररिया की बात करें तो 57% यहां पर हिंदू है और मुस्लिम की आबादी 43% है। फिर कटिहार हिंदू 55%, मुस्लिम 41% यहां पर है। अब जरा मालदा उत्तर की बात करूं तो 55% हिंदू और 45% मुस्लिम आबादी यहां पर रहती है। अब मालदा हिंदू 45% है यहां पर और मुस्लिम 55% आते हैं। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद में 40% हिंदू आबादी और मुस्लिम यहां पर 6% आबादी है। तो आबादी के बाद, माफ कीजिएगा, मुस्लिम 60% आबादी यहां पर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जोड़ गणित यहां पर क्या है और क्यों इसे लेकर अब सियासत जोरों पर है।